हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो क्लास नाइन्थ का बिल्कुल ही एक, जिसे कहते हैं कि सबसे पहला चैप्टर है, और सबसे पहला होने के साथ साथ सबसे बड़ा चैप्टर भी इसे बोल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी हैं। तो जैसे कि टाइटल में आप देख सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इस पूरी की पूरी रेवोल्यूशन के पीछे की बैकग्राउंड क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअल में हुई कब थी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए 14 जुलाई 1789 का टाइम था, 14 जुलाई 1789 का टाइम था जब पेरिस की सड़कों पर लोग उतर चुके थे। पेरिस आपको पता ही है कि फ्रांस की कैपिटल है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो लोग परेशान थे राजा के रूल से, वो लोग नहीं चाहते थे कि राजा अपनी मनमर्जी करे। और इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, मेरे पास जो डेटा है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जो राजा है उसने भी अपने सोल्जर्स को बोल दिया कि तुम शहरों में मूव करो, जाओ और अपनी तरफ से तुम सारे के सारे लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन जो 7,000 मैन एंड वेमेन हैं वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं, और उन्होंने अपनी पीपल्स मिलिटिया यानी अपनी एक मिलिट्री बना ली। मिलिट्री किस पर्पज़ के लिए बनाई? क्योंकि वो राजा की रूल के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा जैसा चाहता है वैसा करे, हम उसको रोकेंगे, 100% कोशिश करेंगे रोकने की। और इसके अलावा यही जो लोग हैं जिन्होंने अपना मिलिटिया बना लिया, उन्होंने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स में हथियारों की सर्च में घुस जाते हैं। और सेवरल हंड्रेड पीपल तो ऐसे भी हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पर बैसिले की प्रिजन है, वहाँ पर वो एंटर कर जाते हैं। और ये फोर्ट्रेस प्रिजन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि किलेबंदी वाली प्रिजन थी, तो वहाँ पर वो लोग एंटर कर जाते हैं। और ये जो प्रिजन है वो किसी का सिंबल है? डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक वो होता है जो एब्सोल्यूट रूलर होता है, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं होता, और वो अपनी पावर का एब्सोल्यूट मिसयूज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये प्रिजन ऐसी थी जिसको हर कोई नफरत करता था। तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई 1789 का टाइम है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं फिर से थोड़ा सा क्विकली आपको रिवाइंड कराता हूँ। लोग सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि राजा ने जो है अपने कुछ सोल्जर्स को पूरी सिटी में घूमने का आदेश दे दिया कि तुम घूमो और कोशिश करो बैलेंस क्रिएट करने की, लोगों को संभालने की। लेकिन लोग जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम तो रेवोल्यूशन आज करके ही रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने जो 7,000 मैन एंड वीमेन है अपना पीपल्स मिलिटिया बनाकर, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पर वहाँ की फोर्ट्रेस प्रिजन है वहाँ चले जाते हैं, उस पर जो है कब्जा कर लिया उन्होंने। और अब देखिए, ये भी बताया गया कि वो प्रिजन जो है वो किस चीज़ का सिंबल है? राजा की डेस्पोटिक पावर का। डेस्पोटिक का मतलब होता है कि जो एक राजा अपनी पावर एब्सोल्यूट वे से यूज़ करता है, वो किसी से कुछ नहीं पूछता। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? जो फोर्ट्रेस है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, और उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जो टुकड़े हैं टूटे हुए, वो सब के सब मार्केट में सोल्ड किए जाते हैं निशानी के तौर पे, जिसको खरीदने वही खरीद लो। और इसके अलावा जो बहुत सारे पीपल हैं वो रॉयट कर रहे थे, रॉयट का मतलब होता है सड़कों पर उतरे हुए थे, विद्रोह कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न था जो ब्रेड है वो बहुत महंगा हो चुका था ब्रेड, और अनएक्सपेक्टेडली जो राजा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हम बात कर रहे हैं इस डेट की, 14 जुलाई 1789 की, तो राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हमें बैकग्राउंड भी जाना होगा कि आखिर ऐसा किस वजह से हुआ, लोग सड़कों पर क्यों उतरे, क्यों उन्होंने बेस्टले की जो प्रिजन, फोर्टेस प्रिजन है उसको तोड़ा, और फिर राजा को एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब एक दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जहां हमें पूरे के पूरे इतिहास को एक बार देखना होगा। तो यहाँ जो मैंने हेडिंग दिया है नेक्स्ट, वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये मेरी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी है वो कैसी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो ये हमें देखना है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। और यहाँ पर देखिए, जो 1774 का वक्त है जब लुई XVI राजा बनते हैं, बोर्बोन फैमिली से हैं, और उस टाइम इनकी एज है 20 ईयर्स। उनकी जो मैरिज होती है वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से होती है, जिनका नाम है मैरी एंटोनियोटे। और उन्होंने क्या देखा, जब राजा बनते हैं तो यहाँ सारा का सारा जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली है। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना बिल्कुल खाली है। अरे भाई, पैसा कहाँ गया, कैसे गया, और इसको कैसे मैनेज करेंगे? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पैसा यानी खजाना जो खाली है, पैसा कहाँ गया? उसमें मैंने कुछ एक पॉइंट बना रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है
लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, काफ़ी सालों से जो है वॉर में फ्रांस बिजी रहा और इसकी वजह से पैसा लगा। दूसरा क्या है, एक तो जो मेंटेनेंस है इनकी, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जो पैलेस ऑफ वर्सायल्स में है, पैलेस होता है महल, वर्सायल्स के महल में जो इनकी कोर्ट है वो बहुत खर्चा होता है, उसको मेंटेनेंस के लिए तो बहुत पैसा लग रहा है उसके लिए। तीसरा क्या है, लुइस 16 के अंडर इन्होंने 13 ऐसी अमेरिकन कॉलोनी थी जिनको इनके कॉमन एनिमी क्या है इनका, जो ब्रिटेन है उससे फ्रीडम दिलवाई थी, तो उस पर भी पैसा लगा। फिर वॉर चलने की वजह से 1 मिलियन लीवर्स का इनका कर्जा हो गया। लीवर एक्चुअल में क्या होती है, जो फ्रांस की डिसकॉन्टिन्यूड कर दी गई करेंसी 1794 में, ये वो करेंसी थी। और इसके बाद ये जो कर्जा है वो 2 लीवर्स तक, यानी जो चला जाता है, यानी कहने का मतलब 2 मिलियन लीवर्स तक चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन से 2 मिलियन लीवर्स तक पहुंचने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसके कर्जे को। और जो लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ था स्टेट को, अब वो लोग कहते हैं अभी हम तो इंटरेस्ट लेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी उन्होंने पैसा दिया हुआ था उस पर 10% इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो ऑफकोर्स उसका सारा का सारा किसके ऊपर आएगा प्रेशर, उसका प्रेशर आएगा स्टेट के ऊपर। अब ये बात लुइस 16 जब राजा बनते हैं तब तो उनके सामने आई कि इतना खर्चा हो चुका है, इतना पैसा लग चुका है, अब ये सारा का सारा पैसा जो है इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसका सबसे बड़ा एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है भाई, टैक्सेस, टैक्स इकट्ठा किए जाएं, जितने हो सके टैक्स लिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो फ्रांस के अंदर सिस्टम था, जैसे उसमें हम कहेंगे, ये भी फिर आप कहेंगे कि पुराने सिस्टम में चलते हैं, पुराने टाइम में चलते हैं, तो टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जो एक ओल्ड रिजाइम थी जिसको हम बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी 1799 की डेट से पहले, ये जो दिन है इससे पहले जो इन्होंने पहले सिस्टम सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब सिस्टम ऑफ एस्टेट्स क्या था, क्या एस्टेट्स का सिस्टम था, जैसे 3 एस्टेट्स थी, 3 एस्टेट्स की बात हो रही है, तो इस 3 एस्टेट्स में किस तरह से डिवीजन था, कलर्जी, उसके बाद नॉबिलिटी और उसके बाद पीजेंट्री, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी पीजेंट्री। लेकिन पीजेंट्री में सिर्फ पीजेंट्री नहीं है, बाद में बहुत सारे और लोग भी ऐड हुए थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सिस्टम्स ऑफ एस्टेट्स में देखिए, जो 90% ऑफ द अगर देखिए पॉपुलेशन में पीजेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना जमीन, अपनी जो जिसको कल्टीवेट करते हैं वो अपनी ज़मीन है, इसका मतलब क्या है, दूसरों की ज़मीन पे वो कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन 60% लैंड है उसको ओन करने वाले उसके मालिक कौन हैं, या तो नोबल्स हैं या कलर्जी हैं या फिर कुछ दूसरे रिचर मेंबर्स हैं थर्ड एस्टेट के। इसके अलावा जो नोबिलिटी और क्लर्जी है उनको टैक्सेस से बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज मिला था उनके जन्म के आधार पर भी। ठीक है, आप नोबल फैमिली में पैदा हुए हो या आप क्लर्जी यानी क्लर्क जो होते हैं ना चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उस फैमिली में पैदा हुए हो, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो नोबल्स ऑल्सो इंजॉयड फीडल ड्यूज, उनको फीडल ड्यूज पे, अब देखिए ये भी पॉइंट आपके लिए जाना जरूरी है, जो वो किससे एक्सट्रैक्ट करते थे, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट से। तो पीजेंट्स का टैक्स देखो कहाँ कहाँ उसको देना होता है, जो स्टेट को टैक्स देता है वो तो है ही है, जो फीडल ड्यूज है उसको वो भी देने होते हैं, और पीजेंट्स को कुछ सर्विसेज भी अपने लॉर्ड को देनी होती थी, जैसे कि उनके घरों में काम करना, उनके खेतों में काम करना, आर्मी में अपनी सेवाएं देना, या बिल्डिंग करना, जो रोड की कंस्ट्रक्शन में काम करना, तो ये काम भी उनको करने होते थे। पीजेंट्स का कोई छोटा मोटा काम नहीं था, मीन्स दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, टैक्स उनको पे करना ही होता था। लेकिन चर्च भी उनसे एक टैक्स लेती थी जिसको हम बोलते हैं टाइद, तो जितने भी जो थर्ड एस्टेट के मेंबर हैं उनको कुछ और टैक्स भी देने होते थे, जिसमें एक और टैक्स का नाम आता है और उसको बोलते हैं टैली, TAILLE, ये डायरेक्ट टैक्स होता था। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो उनको देने होते थे खाने पीने की चीज़ों पे, जैसे सॉल्ट के ऊपर हो गया या टोबैको के ऊपर हो गया। लेकिन जो बर्डन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, तो वो हम क्या देखते हैं, इनके ऊपर नहीं था, क्लर्जी के ऊपर नहीं था, नोबिलिटी के ऊपर नहीं था, लेकिन पीजेंट्री के ऊपर था। अब देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो थर्ड एस्टेट है, थर्ड एस्टेट में एक्चुअल में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ यहाँ पर। तो ये पूरे के पूरी जो कैटेगरी है ये इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये नंबर ऑफ
इनका कम है, बट इवन देन ये कि ये भी थर्ड एस्टेट की कैटेगरी में है। उसके अलावा पीजेंट्स और आर्टिजन्स भी हैं। फिर आते हैं स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, जिनका नंबर काफ़ी सारा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग थे जो इस पूरी कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। अब मैंने आपको सिर्फ ये वाला पार्ट आज डिस्कस किया है, सिर्फ आपका ये देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, आप वीडियो को आप कैसे लाइक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बताइएगा। कल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, और दूसरा पार्ट इसमें है वो ग्रोइंग मिडिल क्लास एन वी सीज एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ये सिर्फ इसलिए छोड़ा है मैंने कि कल इसको थोड़ा सा एड ऑन करके आपके साथ शेयर करूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग तरह से क्लासेज, और अपना कमेंट जो है जरूर दीजिएगा रिगार्डिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।